मुश्किलों के जाल में फंसे यूट्यूबर एल्विश यादव, अब ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी 2 को जीतने के बाद यूट्यूबर एल्विश यादव लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि एल्विश यादव के चर्चा में बने रहने के पीछे उनके एक के बाद एक विवाद है। एल्विश यादव को कुछ दिनों पहले रेव पार्टी में कोबरा का जहर सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। एल्विश यादव को कुछ दिन जेल में रहना पड़ा था और उन्हें जमानत मिल गई थी। अब एल्विश यादव की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि ईडी ने एल्विश यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। एल्विश यादव की एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोबरा कांड केस के बाद अब ईडी ने एल्विश यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ईडी जल्द ही एल्विश यादव से पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही एल्विश यादव के पास महंगी कारों को लेकर ईडी जांच कर सकती है। बताते चले कि 2 नवम्बर को नोएडा में दर्ज मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल एल्विश यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि एल्विश यादव के मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्या सामने आता है।